नमस्कार। प्रदेश की खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डालते एक नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में राधे राधे सेवा समिति द्वारा प्रदेश के अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 51,000 की राशि पदाधिकारी एवं सदस्यों में एकत्रित करते हुए दान संकलन प्रभारी सुधीर अग्रवाल के हाथों एक चेक के माध्यम से सुपुर्द की गई। इस दौरान भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही राधे राधे सेवा समिति के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए दान संकलन जिला प्रभारी सुधीर अग्रवाल ने कहा कि 472 सालों के अथक प्रयास एवं करीब 4,00,000 हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बलिदान देने के बाद आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है तथा श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जनपद में हिंदुओं संकलन का कार्य प्रारंभ और आज राधे राधे सेवा समिति द्वारा 51,000 का सहयोग भी किया गया, जिसके लिए दान संकलन समिति उनका आभार प्रकट करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनपद में समस्त हिंदू परिवारों से मंदिर निर्माण सहयोग के लिए दान की राशि जो कि 10, 100 एवं 1,000 रुपए का कूपन बनाया गया है और इसके अतिरिक्त जो राशि अधिक देता है तो उसके लिए रसीद की व्यवस्था भी बनाई गई है तथा अभय दानदाताओं से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक चेक के माध्यम से दान की राशि प्रदान करें, जो दान के लिए बेहतर विकल्प होगा। साथ ही जनपद में दान संकलन के लिए बनाई गई चोली के संबंध में पूछताछ में उन्होंने बताया कि जनपद में 70 टोलियों का गठन किया गया है जो घर घर जाकर मंदिर निर्माण सहयोग की राशि के लिए पहुंचे तथा प्रत्येक टोली में 5 सदस्यों को रखा गया है, जिनमें प्रत्येक मोहल्ले का एक प्रमुख व्यक्ति भी रखा गया है। राधे राधे सेवा परिवार का ये हम इसे कोई ज़्यादा राशि नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत हुई है, आगे योगदान के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। 51,000 रुपये ये हमारे राधे राधे सेवा परिवार की जो सभी परिवार के सदस्य हैं सभी लोगों की तरफ से यह 51,000 रुपये का चेक राजीव जी, नवीन जी, तरुण बाटला जी सब लोगों ने इसमें सहयोग कर शुरुआत से किया है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो परिवार के सदस्य हैं जो आगे राशि इकट्ठी होगी उसको भी हम देने का कष्ट करेंगे। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 25 में क्षेत्रीय जनता व पार्षद द्वारा चलाया गया साफ सफाई अभियान, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद वहां की जनता द्वारा लगभग 2 से 3 घंटे यह अभियान नगला मोती धौलपुरा के मुख्य रास्तों से हिमायूपुर नगला पचिया वजीपुर तक होते हुए वही मौजूद मंदिर और रोड पर साफ सफाई की गई। वही क्षेत्रीय पार्षद ने नगर निगम और आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों को साफ सफाई की शिकायत की है, लेकिन अभी भी अधिकारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमको जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारी चाहिए। मेरे और मेरे साथी पार्षदों द्वारा 3 सालों से नगर निगम के उच्च अधिकारियों से मांग की जा रही थी कि हमें बाढ़ की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सफाई कर्मचारी दे दिए जाएँ, जिससे कि हम अपना बाढ़ को साफ स्वच्छ रख सकें। लेकिन 3 साल से अधिकारियों के कानों में कोई जू नहीं रह रही, तो अंत में हमने निर्णय लिया, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर बैठ के बात की, तो उन्होंने कहा अगर नगर निगम कोई कुछ नहीं सुनाई कर रहा तो हम लोग मिलकर सफाई करते हैं। तो मुझे ये विचार अच्छा लगा, तो हम लोगों ने मिलकर विचार बनाया कि हर रविवार को प्रातः 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हम सफाई कार्य अपने बाढ़ में किया करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक अपने बाढ़ को स्वच्छ बना सकें। साथ में ये भी निर्णय लिया है कि अगर नगर निगम के अधिकारियों ने फिर भी सुध नहीं ली, अगर कर्मचारी बाढ़ की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाए, तो हम सफाई के साथ साथ 2 घंटे आंदोलन भी शांतिपूर्वक किया करेंगे, मतलब धरना दिया करेंगे शांतिपूर्वक। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का भाजपा विधायक ने फीत काट कर उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन विगत कुछ दिनों से कोरोना काल के संकट के चलते जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला निरस्त हो गया। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद क्षेत्र में शिकोहाबाद रुकनपुर नागरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन भाजपा विधायक मुकेश वर्मा, CMO डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ द्वारा फीत काट कर किया गया।
इस दौरान भाजपा विधायक ने आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि शासन के निर्देश पर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को सभी चिकित्सा सुविधाएं एक छत के नीचे दिलाने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल में रहने वाले आम जनमानस को सभी दवाइयां व किसी भी प्रकार के रोगों का उपचार एक ही जगह पर हो सके। इसे ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान आरोग्य स्वास्थ्य मेले में भाजपा विधायक मुकेश वर्मा, सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ, सभी रोगों के डॉक्टर एवं चिकित्सक जन मौजूद थे। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो आरोग्य मेला है, उसका हर सीएससी है, पीएससी है, डी टाइप स्वास्थ्य नगरी केंद्र है, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप गरीबों को सभी दवाएं उपलब्ध हों और गरीबों के हित में, गरीबों के स्वास्थ्य के हित में डॉक्टर पूरी तन्मयता के साथ काम करें, और जब तन्मयता के साथ डॉक्टर और चिकित्सक काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो छोटी छोटी बीमारियां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। फिरोजाबाद से बीसीएन न्यूज के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के भदवल गांव में बनाए गए नाफेड़ के धान खरीदी केंद्र पर धान रखे हुए थे, लेकिन धान की खरीदी न होने के कारण किसान के जहर खाने की खबर से हड़कंप मच गया है। किसान का इलाज वाराणसी में चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि किसान विवेक कुमार सिंह गांव में बटाई पर खेत लिया था, कुछ धान बिका और कुछ धान बेचने के लिए खरीद केंद्र पर रखा था, मगर उसके धान की बिक्री को अधिकारी ने रोक दिया। धान की बिक्री नहीं हो रही थी, कर्ज की उधारी चुकता करने के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। पैसों को लेकर बढ़ते दबाव के कारण उसने जहर खा लिया है। मामला जब प्रशासन के संज्ञान में आया तो मामले की जांच एसडीएम चुनार से कार्रवाई की गई। गांव पहुंची टीम ने घर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। जांच के बाद इस मामले में जिला प्रशासन का दावा है, यह मामला पारिवारिक विवाद में पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है, धान खरीदी से जोड़ना गलत है। अपर जिलाधिकारी ओपी सिंह का दावा है कि पूरे मामले की जांच चुनार के एसडीएम से करवाई गई, जिसमें पता चला है कि जहर खाने वाले युवक विवेक कुमार सिंह ने 1,30,000 मूल्य का 70 क्विंटल धान बेचा था। वही विवेक के पिता रमा शंकर सिंह 34 क्विंटल धान बेचा था, जिसका 65,000 रुपयों का भुगतान भी उन्हें कर दिया गया है। एडीएम का कहना है कि खबर पूरी तरह से फर्जी है, धान नहीं बिकने के कारण युवक ने जहर खाया। जनपद मिर्जापुर में अब तक 25,000 कृषकों से हम 1,32,334 मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुके हैं, जो लक्ष्य का के 50% से अधिक है। और यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले वर्ष जिन किसानों की अब तक हम खरीद किए थे उससे 6,000 कृषकों से ज़्यादा खरीद किए हैं, जबकि अमाउंट में हम मात्रा में हम कम धान खरीदे हैं। हम पिछली बार अब तक लक्ष्य के सभी पहुंच गए थे, लक्ष्य का 90% पूरा खरीद कर लिए थे, लेकिन कृषकों की संख्या 19,000 खरीद पाए थे। आज हम 25,000 कृषकों से खरीद पूरी कर चुके हैं, जबकि हम अभी 50% किए हैं। अभी हमारे पास लगभग 50 दिन का समय शेष है। इस 50 दिन की अवधि में हम लक्ष्य से ज़्यादा खरीदेंगे और कोई भी किसान खरीद के लिए शेष नहीं रहेगा, लेकिन बिचौलियों से को इस खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे किसी भी स्थिति में, जबकि धान की बिक्री उससे पहले ही हो चुकी है। विवेक ने खेत बटाई के कागजात पर धान की बिक्री की थी, जबकि उनके पिता ने अपने खेत के कागजात पर धान की बिक्री की। वह इस मामले में तुल पकड़ने के बाद धान केंद्र पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों से धान खरीदने की मांग की है। धान खरीद का मामला था नफेड का, जो सेंटर जमालपुर था वो वहाँ जगह न होने के कारण भदावल में आ गया, वहीं जमालपुर के नाम से सेंटर। और उस समय धान उसका नहीं खरीदा गया, एक बार खरीदा गया, फिर अधिकारी आए कौन जिले के, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका धान नहीं लिया जाएगा, डिप्टी आरएमओ उसका धान नहीं लिया गया, उसके पास कर्ज था और जमीन लेना चाहता था, चाहे न लेना चाहता उसे नहीं मतलब है, जिसके पास इतना कर था, बटाईदारों का था, उन लोगों का कर था, उसी के टेंशन में अपना उपार्जन खा लिया, धान नहीं बिका।
बीसीएन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। शौचालय न मिलने से नाराज आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने जमकर काटा हंगामा। कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं मिला शौचालय। केंद्र सरकार व राज्य सरकार भले ही चाहे जितने दावे कर ले, उनकी सरकार में सभी को शौचालय मुहैया कराए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा एक मामला हमीरपुर जनपद के विकास खंड कुरारा के अंतर्गत भैंसापाली गाँव का, जहाँ अभी भी आधा सैकड़ा से अधिक लोगों को शौचालय नहीं मिला, और मिला है तो बस एक प्रस्तुत लेटर मिला है, लेकिन उन्हें शौचालय नहीं मिला, जिसके कारण आज भी यहाँ के ग्रामीण खुले में शौच को जाने को मजबूर है। जब इस विषय में ग्रामीणों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हमें शौचालय मिला ही नहीं, तो कुछ ने कहा कि हमें सिर्फ एक ही शौचालय की किस्त मिली है और दूसरी अभी तक मिली नहीं, जिस वजह से लोगों के गड्ढे खुदे हैं। और आज तक ग्रामीणों को शौचालय नहीं मिल सके, ग्रामीणों ने ग्राम सचिव व खंड विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। कहा कि कई बार इन अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग का अनुरोध किया, और यह भी कहा कि अगर जल्द ही हल नहीं निकला तो मजबूरन हमें धरना करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सीवरन का एक किस्त मिली है, एक किस्त नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं हुई। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में देश में राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसको लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में खास तौर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। पार्क के अंदर पड़ने वाले जलाशय और घास के मैदान के आसपास डॉक्टरों की टीम को और बर्ड्स एक्सपोर्ट को तैनात कर दिया गया है। विशेषज्ञों के रूप से बर्ड्स पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य में हो रहे परिवर्तन पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक का कहना है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया की प्रजाति पाई जाती है, इसको लेकर हम लोग खास तौर पर सावधानी बरत रहे हैं। डॉक्टर की टीम को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया, साथ ही पार्क के विशेषज्ञों को भी निगरानी पर लगा दिया गया है। किसी भी तरह के बर्ड फ्लू का संभावित लक्षण पार्क के आसपास या पार्क के अंदर किसी जानवर या चिड़िया पर पाया जाता है तो उसके सैंपल भोपाल भेज दिए जाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से हर प्रकार की समस्या को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी तक पार्क में बर्ड फ्लू का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। बर्ड फ्लू को लेके अभी पूरे देश में काफी चिंता है, और आप जैसा जानते हैं इस समय ऐसी स्थिति देखने में आई है कि केरल में और राजस्थान में काफी व्यापक तौर पे नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे मुख्यमंत्री प्रतिपालक हैं उनके स्तर से काफ़ी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में ही किए गए थे और पुनः जो है उसको जारी किया गया है, और उसमें तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और उसी निर्देशों को देखते हुए हम लोगों ने जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व में भी विभिन्न जलाशयों पर जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स का आगमन होता है, तो खासतौर पर जो हमारा झाड़ी ताल वाला इलाका है या टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में भी और पतनिया घाट में भी कई जलाशय हैं, तो वहाँ पे हमारे जो अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पे भी यदि आपको मृत पक्षी दिखाई दे तो उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है और उसके बारे में तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सूचित करना है, और ख़ास करके पशुपालन विभाग के जो लोग हैं और हमारे पास जो हमारे खुद के पशु चिकित्सक हैं, तो ये है कि सावधानी काफ़ी बढ़ती जा रही है और लोग ये देख रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की इस तरह की सूचना तो नहीं मिल रही, इस तरह की घटना तो नहीं घटित हो रही है। तो अभी सौभाग्य से कहीं से भी इस प्रकार की कोई अभी रिपोर्टिंग नहीं है कि कहीं पर कोई मृत पक्षी देखा गया हो। बीसीएन न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। सरकार द्वारा देश व प्रदेश में लगातार महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए जा रहे, तमाम योजनाएं बनाई जा रही है, परंतु पुलिस है कि अपना रवैया सुधारने का नाम नहीं ले रही है। लखीमपुर में भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां जिला चिकित्सालय में एक किशोरी के साथ 7 तारीख को मौत हो गई। तब से उसका शव शवगृह में जमीन पर पड़ा रहा और सड़ रहा है। बताते हैं कि उसके साथ जो अटेंडेंट उसको अस्पताल लेकर आया था, किशोरी की मौत के बाद उसे वह अस्पताल से फरार हो गया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वह व्यक्ति जो किशोरी को अस्पताल में लेकर आया था वह कौन था। हम आपको बता दें कि उसने किशोरी का नाम पता भी अस्पताल में लिखा था, बावजूद इसके उसकी मौत के बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त करना तक गवारा नहीं समझा। अब शवगृह में फर्श पर पड़ी किशोरी की फोटो वायरल होने के बाद जबकि न्यूज मौके पर पहुंची
तो प्रशासनिक अमला नियम कानून बताता दिखाई दे रहा है। अगर कोई शव आता है और लावारिस होता है जिसके साथ कोई आगे पीछे नहीं होता है, तो उसका पहला काम ये होता है कि अगर उसको हम लोग तुरंत मॉर्चरी में बंद करा देते हैं। अगर उसके पास कोई जानकारी हमको मिलती है और PI पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि आप आइए, उसको देखिए, परिजनों को ढूंढिए। अगर 72 घंटे तक पुलिस को भी इंतजार करना होता है, अस्पताल को भी इंतजार करना होता है। अगर 72 घंटे के अंदर कोई नहीं आता है, कोई नहीं मिलता है, तो फिर उसका PI पोस्टमार्टम करा के बॉडी को निस्तारित करा दिया। BCN न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधानसभा के विधायक मंजू त्यागी ने क्षेत्र का दौरा कर सुनी जन समस्याएं और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया है, तो कुछ समस्याओं को अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आपको बताते चले कि ग्राम सकेदू के ग्राम प्रधान की तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसके चलते ग्राम प्रधान का हालचाल लेने पहुंचे विधायक मंजू त्यागी ने चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से समस्या संबंधित बात की, जिसमें ग्रामवासियों ने अपनी समस्या बताई, जिनका निराकरण भी विधायिका ने मौके पर ही किया। बड़े हर्ष की बात है भाई, हमारे गांव में विधायिका जी आई हुई हैं और समस्याओं का निदान भी हो रहा है। समस्याएं उन्होंने पूछी, हम लोग ने बताया भी है गौशाला के विषय में, और जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हमने बताया है। और इसके बाद में काफ़ी हर्ष की बात है, वो हमारे बीच में बैठ करके सारी बातों को पूछती। इसके पूर्व कोई इस तरीके से आता नहीं था, कोई हम लोगों से कोई बात हो पाती थी। हाँ, और कुछ लोगों को अधिकारियों को आदेश कर मामला निस्तारित करने की बात कही। विधायिका ने ग्राम पंचायतों का दौरा कर चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया है। यहाँ प्रधान जी की तबीयत खराब है, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो वो मेरे बहुत पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और इंसानियत के नाते उनको देखने का मन भी था कि बार बार हमारे दरवाजे वो जाते थे हमेशा, और आज ऐसी परिस्थितियों में हमको आना जरूरी था। चौपाल नहीं, ये मेरा परिवार है और यहाँ दरवाज़ा हमारा बूथ अध्यक्ष का है और यहाँ पे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें हमारे सब लोग अपने हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। चौपाल तो किसी पर्पस से नहीं है, ये तो हमारा परिवार, इसलिए घर के लोग बैठे हैं। BCN न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। तो आज की प्रदेश की खबरों में वक्त चला, यही रुकने का। ताज़ा खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।